गॉर्जियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रंजना गुप्ता फ्रॉम आरजी मेकओवर। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, फिर से मैं आ गई हूँ साड़ी वाली वीडियो लेकर। सो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से साड़ी पहनना सिखाऊंगी। हैवी साड़ी हो, सिंपल साड़ी हो, बॉर्डर वाली साड़ी हो, हैवी बॉर्डर की साड़ी हो या कॉटन साड़ी हो, आप ये वीडियो देखकर बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से साड़ी पहनना सीख जाएंगे। बिगनर्स के लिए, जिन्हें साड़ी पहननी नहीं आती है और अभी साड़ी पहनना सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। जो अभी साड़ी पहनना सीखना चाहते हैं, आज मैं उनके लिए बहुत ही सरल तरीके से प्लीट्स बनाना, पल्लू सेट करना, हिप प्लीट्स बनाना सब बताऊंगी। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, तभी आप सीख पाएंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो पहले हम साड़ी को देख लेंगे। साड़ी को देखने से ना बॉर्डर वगैरह, बॉर्डर वाली साइड जो आप देखेंगे ना, तो आपको फ्रंट और ऊपर कौन सा साइड आना है, नीचे कौन सा साइड आना है ना, वो सब दिख जाता है। सो इस तरह से हम फर्स्ट राउंड जो है टक कर लेंगे, एंड फर्स्ट राउंड ना बहुत फिनिशिंग के साथ जो है हम उसको टक करेंगे, ताकि बाद में जो है हमें अंदर जो है अनकम्फर्टेबल फील ना हो। तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको खींच कर अच्छे से फर्स्ट राउंड को टक कर लेंगे। और फिर यहाँ पर पल्लू वाला जो पार्ट होता है ना, उसको ऐसे इस तरह से पकड़ के ना रफली प्लीट्स बनाकर हम उसको जो है पीछे की ओर से घुमाते हुए ना अपने लेफ्ट वाले कंधे पर रख लेंगे। तो यहाँ ना सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमें पल्लू की लेंथ कितनी रखनी है। नॉर्मली जो है नी से थोड़ा सा नीचे तक रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम फ्रंट प्लीट्स बनाएंगे तो इसको लाइटली खींच के इस तरह से ना एक पिन यहाँ पर हम लगा लेंगे, और एक आधे एक या दो प्लेट जो है हम अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग बनाकर उसको पकड़कर इस तरह से हम एक पिन लगा लेंगे। अगर हम इस तरह से पिन लगा लेते हैं स्टार्टिंग में ही ना, तो साड़ी की फिटिंग ना साइड हिप प्लीट्स जो है या हिप प्लीट वाला एरिया जो है वहां से बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है, एंड साड़ी का फटने का भी डर बिल्कुल नहीं रहता है, एंड साड़ी बाद में बिल्कुल भी ढीली नहीं होती है, बिल्कुल भी हिलती नहीं है, और बहुत ही पहनवी अच्छी लगती है। साइड से फिनिशिंग हो गई है तो अब बारी आती है फ्रंट प्लीट्स की। इस तरह से आप देखिए किस तरह से मैं फिंगर और थंब की हेल्प से जो है प्लीट्स यहाँ पे बना रही हूँ। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। वीडियो मैंने नॉर्मल स्पीड पर रखी है, बिल्कुल भी फास्ट नहीं करी है। आप चाहें तो साथ साथ ही आप वीडियो देखकर ट्राई कर सकते हैं प्लीट्स बनाना। बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये वीडियो देखकर आप बहुत ही ईजी तरीके से 3 से 5 मिनट में ही जो साड़ी पहनना जो है आप सीख जाएंगे। यहाँ पर जो प्लीट्स को मैं बार बार शेक कर रही हूँ, बार बार झटक रही हूँ, क्योंकि प्लीट्स को शेक करने से क्या होता है ना, जो अंदर छिपी हुई प्लीट्स होती है ना, कई बार वो भी सामने आ जाती हैं। 4 से 5 प्लीट्स मेरी बनती हैं साड़ी की, एंड वो यहाँ बन गई है। नीचे से भी जो हम इस तरह से पकड़कर फिनिशिंग दे सकते हैं अगर प्लीट सेट नहीं हो रही है तो। अब सारी प्लीट्स को ठीक से पकड़कर एक बार सेट कर इसे हम जो है टक कर लेंगे। टक जो करना है वो बिल्कुल बेली बटन के सामने आप मत कीजिएगा, बेली बटन से थोड़ा सा राइट की तरफ अगर आप टक करेंगे ना, तो ये साड़ी पहनी हुई आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब यहाँ पर क्या है, एक बड़ा पिन हम लेंगे, बड़ा और अच्छी क्वालिटी का पिन लेंगे, एंड उसे लेकर ना सारी प्लीट्स को हम सेट करके ऐसे एक साथ पकड़कर पेटीकोट के साथ ही ना अंदर से सांस रोककर हम पिन लगा लेंगे। सांस रोककर अगर आप पिन लगाएंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप लगा पाएंगे। इससे क्या होगा ना, साड़ी पेटीकोट के साथ सिक्योर हो जाएगी। आप कितना भी काम करें, डांस करें या फिर सो जाएं, सारा दिन ऐसे ही सेट रहेगी साड़ी, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, बिल्कुल भी नहीं लूज होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। नहीं तो दिन में ना कितनी बार ही आपको प्लीट्स बनानी पड़ेंगी, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि मेरे मेथड से अगर आप ट्राई करोगे ना साड़ी पहनने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद मैं ओपन पल्लू रखूंगी, क्योंकि इस तरह की साड़ी में ओपन पल्लू भी ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ओपन पल्लू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा है, इसे आपका जो टमी अगर फैट है ना, अगर टमी बल्ज है थोड़ा सा भी, तो वो भी आप छिपा सकते हैं, ना आप स्लिम भी लगते हैं। तो इस तरह से अंदर से एक पिन ले लूँगी, और अंदर से ब्लाउज और पल्लू पकड़ के ना सेट करके अंदर से मैं इसको पिन लगा लूँगी, और फिर पल्लू को एक और साथ करके अच्छे से सेट, एक और बार फिर से सेट करके अच्छे से जो है बॉर्डर को मैं सेट कर लूँगी, क्योंकि बॉर्डर नज़र आना चाहिए। मैंने ना यहाँ मेकअप नहीं किया है, क्योंकि इसके बाद ना मुझे शूट करनी थी स्किन केयर की वीडियो, एंड वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो वो भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। होम रेमेडी है स्किन को ग्लोइंग करने के लिए, एंड बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर लेना, कमेंट कर लेना, सेव कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।